जिला अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को बाहरी दवाएं लिख रहे हैं, यह खेल निरंतर जारी है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी महज शासन से शिकायत कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। उच्च अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षण का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सोमवार को दवाई वितरण कक्ष में लोग सुबह से लंबी लाइनों में लगे दिखाई दिए, लेकिन दोपहर तक उन्हें दवाई नहीं मिल पाई और लोग जिला अस्पताल को कोसते नजर आए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं पर पैनी नजर रखते हैं। जिला अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहा गया था कि इन कैमरों की मॉनिटरिंग लखनऊ में बैठे आला कमान करेंगे, लेकिन इन दिनों आगरा के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग आला कमान किस तरह से कर रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो पूरी नहीं मिलती। डॉक्टर बाहरी दवाइयां मरीजों को लिख रहे हैं। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी डॉक्टरों की खुली मनमानी पर एक्शन नहीं ले रही हैं। गरीब जनता परेशान है। डॉक्टर मरीजों को केबिन से धक्के लगाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। दवाई वितरण केंद्र पर सुबह 9 बजे से लगे लोगों का दोपहर 1:30 बजे तक नंबर नहीं आता है। लोग बिना दवाई लिए वापस लौट जाते हैं। ऐसे में जिला अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सेवा सरकार के लिए बदनुमा दाग बन चुकी है। लोग जिला अस्पताल के साथ सरकार को भी कोस रहे हैं, लेकिन विभाग आंखें बंद किए हुआ है और सरकार खामोश है। लोग परेशान हैं। डॉक्टर ने देखा और बोल दिया एडमिट का। मैंने कहा एडमिट कर लो डॉक्टर साहब, तो एडमिट के लिए पहले 2 घंटे लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद 52 नंबर कितने नंबर में भेज दिए, 111 में, 111 से बोल दिया कि 52 नंबर 6 नंबर में जाओ। 6 नंबर से मोहर लगा के दी, तो फाइल जमा कर ली, अभी तक फाइल नहीं पहुँची है वहाँ पे। सुबह से ये टाइम हो गया, सुबह के आए 6 बजे के, हार मान के वापस ले गया बच्चा। घर बेचते, मकान बेचते, गरीब आदमियों का क्यों नहीं इलाज हो रहा है यहाँ पे? पैसे वाले आते हैं, उनकी जेबें भर देते हैं डॉक्टर की, उनका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, फिर गरीब आदमियों के लिए क्यों बना रखा है, क्यों खोल रखा है अस्पताल? आज मैं दवाई लेने आई हूँ अपने लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं हम डॉक्टर नहीं है, फलाने नंबर में जाइए। उस नंबर में गए, वो कह रहे हम डॉक्टर नहीं है, फलाने नंबर में जाइए। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कमाई का जरिया बना रखा है हॉस्पिटल को। सरकारी के नाम पे धब्बा है, ये हॉस्पिटल सरकारी नहीं है। मरीजों से, गरीब लोगों से पैसा कमाया जा रहा है, और यहाँ की परिस्थिति आप देख रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से लाइन में लगी हूँ, लेकिन अभी तक दवाई का कोई नामो निशान नहीं है। मेरा इलाज चल रहा था बड़ी इमरजेंसी में, वहाँ से मुझे यहाँ के लिए रेफर कर दिया। वहाँ लोग अच्छे देखते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन यहाँ पे है ना, इनको डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है, भूख नहीं लगती है, वजन भी कम हो रहा है, परेशानी भी ज़्यादा हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दवा खाते जाओ, जो दवा मिल रही है आपको उसी को खाओ, आप उससे ठीक हो जाओगे आप। जी हाँ, जिला अस्पताल आगरा में आज अत्यधिक भीड़ है, और जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से 4,500 से भी ऊपर मरीज आ चुके हैं, और अभी भी 2 बज गया है, अभी भी भीड़ लगी हुई है फार्मेसी में। तो और मैंने संज्ञान में लिया है कि आई के बहुत मरीज आ रहे हैं, और स्किन रोगों के बहुत मरीज आ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लग रही है, तो इन विभागों के मरीज बढ़ गए हैं। मेडिसिन को लेकर काफ़ी मारामारी भी हो रही है, दवा मिलने में भी समस्या होगी, तो किस तरीके से दवा मिलने में समस्या नहीं है, दवा के लिए लंबी लाइन लग रही है, ये है, दवाइयां हैं हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में। आगरा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा बाहरी दवाइयां लिखी जा रही हैं। हालांकि ये प्रकरण मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, और इस पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अनीता शर्मा से जब बात की थी तो तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मीडिया के द्वारा ये प्रकरण उनके संज्ञान में आया है, यानी उनको खुद नहीं पता कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। ये विभाग है, यहाँ दवाई वितरण किया जाता है, और यहाँ देखिए आप किस तरीके से लोग लगभग माता जी सुबह 11 बजे से, और अब 1:30 बज चुका है, लगभग 1:30 हो रहा है, लगे हुए हैं लंबी लंबी लाइनों में, लेकिन यहाँ लोगों के नंबर तक नहीं आ रहे हैं। न जाने किस तरीके से यहाँ दवाई का वितरण चल रहा है। जब हमने लोगों से यहाँ बात की तो यहाँ टीवी के मरीजों को भी इग्नोर किया जा रहा है, यानी उनका कहना है कि महज टीवी की दवाई उनको दे दी जाती है, बाकी खांसी की और दीगर फेफड़ों में दिक्कत होने की जो दवाई है वो उनको नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल के दवाई वितरण, ये जो कक्ष बना हुआ है इसके अंदर क्या दुर्दशा है, क्या हालत है, गर्मी का माहौल है, और यहाँ लोग घंटों से यानी सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अनीता शर्मा
से प्रमुखता से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से बताया उसको देखकर ये जाहिर होता है कि वह भी अपने डॉक्टर्स यानी विभाग के डॉक्टर्स के रवैये से बेहद परेशान हैं। कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।